परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। भविष्यद्वक्ता यशायाह के अभिलेख के अनुसार तुम्हारे पूर्व मैं अपना एक दूत भेज रहा हूँ जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके रास्ते सीधे और समतल करो। बपतिस्मा देने वाले योहन जंगल में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए आए। यहूदिया प्रदेश के क्षेत्रों से सारी भीड़ तथा यरूशलेम नगर के सभी लोग उनसे भेंट करने जाने लगे। ये सब पाप स्वीकार करते हुए यर्दन नदी में योहन से बपतिस्मा ले रहे थे। योहन का परिधान ऊंट के रोम से निर्मित वस्त्र और उसके ऊपर चमड़े का कमरबंद था और उनका भोजन था टिड्डियां तथा जंगली मधु। वो प्रचार कर कहते थे, मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उनके सामने झुककर उनकी जूतियों के बंध खोलूं। मैं बपतिस्मा जल में देता हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। उसी समय मसीह यीशु गलील प्रदेश के नाजरत नगर से आए और उन्हें योहन द्वारा यर्दन नदी में बपतिस्मा दिया गया। जब मसीह यीशु जल से बाहर आ रहे थे, उसी क्षण उन्होंने आकाश को खुलते तथा आत्मा को जो कबूतर के समान था अपने ऊपर उतरते हुए देखा और स्वर्ग से निकला एक शब्द भी सुनाई दिया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्रिय, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं। उसी समय पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल में भेज दिया। जंगल में वो 40 दिन शैतान के द्वारा परखे जाते रहे। वो वहां जंगली पशुओं के साथ रहे और स्वर्ग दूतों ने उनकी सेवा की। योहन के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए गलील प्रदेश आए। उनका संदेश था, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य पास आ गया है, मन फेराओ तथा सुसमाचार में विश्वास करो। गलील झील के पास से जाते हुए मसीह यीशु ने शिमोन तथा उनके भाई आंद्रयास को देखा जो झील में जाल डाल रहे थे। वे मछुआरे थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। अपने जाल वहीं छोड़ वे तुरंत उनके साथ चल दिए। आगे जाने पर उन्होंने जेबिदियास के पुत्र याकोब तथा उनके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में थे और अपने जाल सुधार रहे थे। उन्हें देखते ही मसीह यीशु ने उनको बुलाया। वे अपने पिता जेबिदियास को मजदूरों के साथ नाव में ही छोड़कर उनके साथ चल दिए। ये सब कफरनहूम नगर आए। शब्बात पर मसीह यीशु स्थानीय यहूदी सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं परंतु इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे कि उन्हें इसका अधिकार है। उसी समय सभागृह में एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था चिल्ला उठा, नाजरेतवासी यीशु, क्या चाहते हैं आप? क्या आप हमें नाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! उसे फटकारते हुए मसीह यीशु ने कहा, बाहर निकल जा इसमें से। उस व्यक्ति को मरोड़ते हुए वो प्रेत ऊंचे शब्द में चिल्लाता हुआ उसमें से बाहर निकल गया। सभी हैरान रह गए। वे आपस में विचार करने लगे, ये सब क्या हो रहा है? ये अधिकार पूर्वक शिक्षा देते हैं और अशुद्ध आत्मा तक को आज्ञा देते हैं और वे उनका पालन भी करती हैं।
तेजी से उनकी ख्याति गलील प्रदेश के आसपास सब जगह फैल गई। यहूदी सभागृह से निकलकर वे सीधे याकूब और योहन के साथ शिमोन तथा आंद्रयास के घर पर गए। वहां शिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। उन्होंने बिना देर किए मसीह यीशु को इसके विषय में बताया। मसीह यीशु उनके पास आए, उनका हाथ पकड़ उन्हें उठाया और उनका बुखार जाता रहा तथा वो उनकी सेवा टहल में जुट गई। संध्या समय सूर्यास्त के बाद लोग अस्वस्थ तथा जिनमें दुष्टात्माएं थी उन लोगों को यीशु के पास लाने लगे। सारा नगर ही द्वार पर इकट्ठा हो गया। मसीह यीशु ने विभिन्न रोगों से पीड़ित अनेकों को स्वस्थ किया और अनेक दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देते थे क्योंकि वे उन्हें पहचानती थी। भोर होने पर जब अंधकार ही था मसीह यीशु उठे और एक सुनसान जगह को गए। वहां वो प्रार्थना करने लगे। शिमोन तथा उनके अन्य साथी उन्हें खोज रहे थे। उन्हें पाकर वे कहने लगे, सभी आपको खोज रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, चलो कहीं और चलें, यहां पास के नगरों में, जिससे कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मेरे यहां आने का उद्देश्य यही है। वो सारे गलील प्रदेश में घूमते हुए यहूदी सभागृहों में जा जाकर प्रचार करते रहे तथा लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालते गए। एक कोढ़ रोगी उनके पास आया। उसने मसीह यीशु के सामने घुटने टेक उनसे विनती की, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तरस खाकर मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसी समय उसका कोढ़ रोग जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। मसीह यीशु ने उसे उसी समय इस चेतावनी के साथ विदा किया, सुनो इस विषय में किसी से कुछ ना कहना। हाँ, जाकर स्वयं को याजक के सामने प्रस्तुत करो तथा अपनी शुद्धि के प्रमाण के लिए मोशे द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार शुद्धि संबंधी भेंट चढ़ाओ। किंतु उस व्यक्ति ने जाकर खुलेआम इसकी घोषणा की तथा ये समाचार इतना फैला दिया कि मसीह यीशु इसके बाद खुल्लम खुल्ला किसी नगर में न जा सके और उन्हें नगर के बाहर सुनसान स्थानों में रहना पड़ा। फिर भी सब स्थानों से लोग उनके पास आते रहे। कुछ दिन बाद मसीह यीशु के कफरनहूम नगर लौटने पर वहां ये समाचार फैल गया कि वो लौट आए हैं। वहां इतनी विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई कि कहीं कोई स्थान शेष न रहा, यहां तक कि द्वार के सामने भी नहीं। और मसीह यीशु पवित्र शास्त्र से शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को उनके पास लाए, जिसे चार व्यक्तियों ने उठाया हुआ था। भीड़ के कारण वे मसीह यीशु के पास पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने जहां मसीह यीशु थे वहां की कच्ची छत को हटाकर वहां से उस रोगी को बिछौने सहित नीचे उतार दिया। उनके इस विश्वास को देख मसीह यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां मौजूद कुछ शास्त्री अपने मन में ये विचार करने लगे, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मसीह यीशु को अपनी आत्मा में उसी क्षण ये मालूम हो गया कि वे इस प्रकार सोच विचार कर रहे हैं। मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित करते हुए प्रश्न किया, आप अपने मन में इस प्रकार सोच विचार क्यों कर रहे हैं? लकवे के रोगी से क्या कहना सरल है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए या ये उठो अपना बिछौना उठाकर चले जाओ। किंतु मेरे ऐसा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि पृथ्वी पर
मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा का अधिकार है। तब मसीह यीशु ने लकवे के रोगी को आज्ञा दी, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, अपना बिछौना समेटो और अपने घर चले जाओ। वो उठा और तत्काल अपना बिछौना समेटकर उन सब के देखते देखते वहां से चला गया। इस पर वे सभी चकित रह गए तथा परमेश्वर की वंदना करते हुए कहने लगे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तब मसीह यीशु दोबारा सागर तट पर चले गए। एक विशाल भीड़ उनके पास आ गई और वे उन्हें शिक्षा देने लगे। मार्ग में मसीह यीशु ने हलफयास के पुत्र लेवी को कर चौकी पर बैठा देखा। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, मेरा अनुगमन करो। वो उठे और उनके साथ हो लिए। जब मसीह यीशु लेवी के घर पर भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति मसीह यीशु तथा उनके शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। एक बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए थे। मसीह यीशु को अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन करते देख व्यवस्था के शिक्षकों ने, जो वास्तव में फरीसी थे, उनके शिष्यों से प्रश्न किया, ये चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्तियों के साथ क्यों खाता पीता है। ये सुन मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित कर कहा, वैद्य की जरूरत रोगी को होती है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं। मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने आया हूँ। योहन के शिष्य तथा फरीसी उपवास कर रहे थे। कुछ ने आकर मसीह यीशु से प्रश्न किया, ऐसा क्यों है कि योहन तथा फरीसियों के शिष्य तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या कभी वर के रहते हुए उसके साथ ही उपवास करते हैं? जब तक वर उनके साथ है वे उपवास कर ही नहीं सकते, किंतु वो समय आएगा जब वर उनके मध्य से हटा लिया जाएगा, वे उस समय उपवास करेंगे। किसी पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र का जोड़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा करने पर नए वस्त्र का जोड़ सिकुड़कर उस पुराने वस्त्र की पहले से अधिक दुर्दशा कर देता है। कोई भी नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखता, अन्यथा खमीर होकर दाखरस मशकों को फाड़ देती है। इससे दाखरस भी नाश हो जाता है और मशकें भी। नया दाखरस नए मटके में ही डाला जाता है। एक शब्बात पर मसीह यीशु अन्न के खेतों में से होकर जा रहे थे। चलते हुए उनके शिष्य बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसियों ने मसीह यीशु से कहा, देखो वे लोग वो काम क्यों कर रहे हैं जो शब्बात पर व्यवस्था के अनुसार नहीं है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आपने कभी पढ़ा नहीं, क्या किया था दाविद ने जब वो तथा उनके साथी भूखे और भोजन की कमी में थे? महायाजक अबियथार के समय में उन्होंने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया तथा समर्पित पवित्र रोटी खाई, जिसे खाना याजक के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए व्यवस्था के अनुसार नहीं था। यही रोटी उन्होंने अपने साथियों को भी दी। तब उन्होंने आगे कहा, शब्बात की स्थापना मनुष्य के लिए की गई है, न कि मनुष्य की शब्बात के लिए। ये भी सुनो, मनुष्य का पुत्र शब्बात का भी स्वामी है। मसीह यीशु एक यहूदी सभागृह में थे, जहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। कुछ व्यक्ति इस अवसर की ताक में थे कि शब्बात पर मसीह यीशु उस व्यक्ति को स्वस्थ करें और वे उन पर दोष लगा सकें। मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूख गया था आज्ञा दी, उठो, सबके सामने खड़े हो जाओ।
तब अन्यों को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने पूछा, शब्बात पर क्या करना व्यवस्था के अनुसार है, भला या बुरा, जीवन की रक्षा या विनाश? वे सब मौन बने रहे। तब उन सब पर गुस्से से भरी दृष्टि डालते हुए उनके मन की कठोरता पर व्यथित होकर मसीह यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ पुनः स्वस्थ हो गया था। फरीसियों ने तुरंत जाकर राजा हेरोदेस के समर्थकों को मसीह यीशु के विरुद्ध विचार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार नाश करें। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के पास चले गए। एक विशाल भीड़ जो गलील तथा यहूदिया प्रदेश से आकर इकट्ठी हुई थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। मसीह यीशु के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुनकर यरूशलेम नगर, इदुमिया प्रदेश, यर्दन नदी के पार के क्षेत्र तथा सोर और सीदोन से भी अनेकों अनेक इस भीड़ में सम्मिलित हो गए थे। इस विशाल भीड़ के दबाव से बचने के उद्देश्य से मसीह यीशु ने शिष्यों को एक नाव तैयार रखने की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने अनेकों को स्वास्थ्य दान दिया था, इसलिए वे सभी जो रोगी थे मात्र उन्हें छू लेने के उद्देश्य से उन पर गिरे पड़ रहे थे। जब कभी दुष्ट आत्मा उनके सामने आती थी, वे उनके सामने गिरकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, आप परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ये किसी से न कहें। इसके बाद मसीह यीशु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया, जिन्हें उन्होंने सही समझा, और वे उनके पास आए। मसीह यीशु ने 12 को चुना कि वे उनके साथ रहें, वे उन्हें प्रचार के लिए निकाल सकें और उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार हो। मसीह यीशु द्वारा चुने हुए 12 के नाम इस प्रकार हैं: शिमोन, जिन्हें उन्होंने पतरस नाम दिया, जेबिदियास के पुत्र याकोब तथा उनका भाई योहन, जिनको उन्होंने उपनाम दिया था बोएनर्गिस, जिसका अर्थ होता है गर्जन के पुत्र, आंद्रियास, फिलिपोस, बार्थोलोमियास, मथिया, थॉमस, हेल्फेयास के पुत्र याकोब, थैडियस, शिमोन कनानी तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने मसीह यीशु के साथ धोखा किया। जब मसीह यीशु किसी के घर में थे तो दोबारा एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, यहां तक कि उनके लिए भोजन करना भी असंभव हो गया। जब मसीह यीशु के परिवार जनों को इसका समाचार मिला तो वे मसीह यीशु को अपने संरक्षण में अपने साथ ले जाने के लिए वहां आ गए। उनका विचार था कि मसीह यीशु अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यरूशलेम नगर से वहां आए हुए शास्त्रियों का मत था कि मसीह यीशु में शैतान समाया हुआ है तथा वो दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाला करते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहना प्रारंभ किया, भला शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ चुकी है तो उसका अस्तित्व बना नहीं रह सकता। वैसे ही यदि किसी परिवार में फूट पड़ जाए तो वो स्थायी नहीं रह सकता। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है और वो बंट चुका है तो उसका अस्तित्व बना रहना असंभव है। वो तो नाश हो चुका है। कोई भी किसी बलवान व्यक्ति के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर उसकी संपत्ति उस समय तक लूट नहीं सकता जब तक वो उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले। तभी उसके लिए उस बलवान व्यक्ति की संपत्ति लूटना संभव होगा। मैं तुम पर एक अटूट सच प्रकट कर रहा हूँ, मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप और परमेश्वर की निंदाएं क्षमा योग्य हैं, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। वो व्यक्ति अनंत पाप का दोषी है। मसीह यीशु ने ये सब इसलिए कहा था कि शास्त्रियों ने उन पर दोष लगाया था कि मसीह यीशु में प्रेत समाया हुआ है। तभी मसीह यीशु की माता और उनके भाई वहां आ गए। वे बाहर ही खड़े रहे।
उन्होंने संदेश भेजकर उन्हें बाहर बुलवाया। भीड़ उन्हें घेरे हुए बैठी थी। उन्होंने मसीह यीशु को बताया, वो देखिए आपकी माता तथा आपके भाई बाहर खड़े हैं। कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मसीह यीशु ने पूछा। तब अपनी दृष्टि अपने आसपास बैठे भीड़ पर डालते हुए उन्होंने कहा, ये हैं मेरी माता तथा मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वो अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वे झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुणा, 60 गुणा तथा 100 गुणा फसल हुई। मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हों वे सुन ले। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं, वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ना हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या ये दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे? बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं, संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है 30 गुणा, 60 गुणा तथा 100 गुणा। मसीह यीशु ने आगे कहा, दीपक को इसलिए नहीं जलाया जाता कि उसे टोकरी या चारपाई के नीचे रख दिया जाए। क्या उसे दीवट पर नहीं रखा जाता? ऐसा कुछ भी नहीं जो छुपा है और खोला न जाएगा, और ना कुछ गुप्त है जो प्रकाश में न लाया जाएगा। जिस किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। इसके बाद मसीह यीशु ने कहा, इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो। तुम्हारा नापना उसी नाप से किया जाएगा जिसका इस्तेमाल स्वयं तुम करते हो। तुम्हें जरूर इससे भी अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने भूमि पर बीज डाल दिया और रात में जाकर सो गया। प्रातः उठकर उसने देखा कि बीज अंकुरित होकर बड़ा हो रहा है। कैसे होती है प्रक्रिया, ये वो स्वयं नहीं जानता। भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। सबसे पहले आती हैं पत्तियां, फिर बाले, उसके बाद बालों में दाना। दाना पड़ने पर वो उसे बिना देरी किए काट लेता है।
क्योंकि उपज तैयार है। तब मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे की जा सकती है? किस दृष्टांत के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है? ये राई के बीज के समान है। जब ये भूमि में बोया जाता है, ये बोए गए अन्य सभी बीजों की तुलना में छोटा होता है, फिर भी बोए जाने पर ये बड़ा होना शुरू कर देता है तथा खेत के सभी पौधों से अधिक बड़ा हो जाता है, इतना कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। सुनने वालों की समझ के अनुसार मसीह यीशु इसी प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा अपना सुसमाचार प्रस्तुत करते थे। बिना दृष्टांत के वो उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, और वो अपने शिष्यों के लिए इनका अर्थ तभी बताया करते थे जब शिष्य उनके साथ अकेले होते थे। उसी दिन शाम के समय में मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, चलो उस पार चलें। भीड़ को वहीं छोड़ उन्होंने मसीह यीशु को वो जैसे थे वैसे ही अपने साथ नाव में ले तुरंत चल दिए। कुछ अन्य नावें भी उनके साथ हो ली। उसी समय हवा बहुत तेजी से चलने लगी। तेज लहरों के थपेड़ों के कारण नाव में पानी भरने लगा। मसीह यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए हुए सो रहे थे। उन्हें जगाते हुए शिष्य बोले, गुरुवर, आपको हमारी चिंता ही नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं? मसीह यीशु जाग गए। उन्होंने बवंडर को डांटा तथा लहरों को आज्ञा दी, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। बवंडर शांत हो गया तथा पूरी शांति छा गई। मसीह यीशु शिष्यों को देखकर बोले, क्यों इतने भयभीत हो तुम? क्या कारण है कि तुम में अब तक विश्वास नहीं? शिष्य अत्यंत भयभीत थे। वे आपस में कहने लगे, कौन है ये कि बवंडर और झील तक इनका आज्ञा पालन करते हैं? तब वे झील के दूसरे तट पर गिरासेनास क्षेत्र में आए। मसीह यीशु के नाव से नीचे उतरते ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उनके पास आया। वो कब्रों के मध्य ही रहा करता था। अब कोई भी उसे सांकलों तथा बेड़ियों से भी बांध पाने में समर्थ न था। बहुधा उसे बेड़ियों तथा सांकलों में बांधे जाने के प्रयास किए गए, किंतु वो सांकलों को तोड़ देता तथा बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालता था। अब किसी में इतनी क्षमता न थी कि उसे वश में कर सकें। रात दिन कब्रों के मध्य तथा पहाड़ियों में वो चिल्लाता रहता था तथा स्वयं को पत्थर मार मार कर घायल कर लेता था। दूर से ही जब उसने मसीह यीशु को देखा, वो दौड़कर उनके पास आया, अपना सिर झुकाया और उसमें से ऊंची आवाज में ये शब्द सुनाई दिए, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा आपका कोई लेन देन नहीं, आपको परमेश्वर की शपथ मुझे कोई कष्ट न दें। क्योंकि मसीह यीशु उसे आज्ञा दे चुके थे, ओ दुष्टात्मा, इस मनुष्य में से निकला। तब मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तेरा? प्रेत ने उत्तर दिया, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रेत मसीह यीशु से विनती करने लगा कि वो उसे उस प्रदेश से बाहर ना भेजे। वहीं पहाड़ी पर सुअरों का एक विशाल झुंड चर रहा था। प्रेत समूह ने मसीह यीशु से विनती की, हमें इन सुअरों में भेज दीजिए कि हम उनमें जा बसें। मसीह यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दे दी। वे प्रेत बाहर निकलकर उन सुअरों में प्रवेश कर गए। लगभग 2000 सुअरों का वो झुंड पहाड़ की तीव्र ढलान पर तेज गति से दौड़ता हुआ झील में जा डूबा। भयभीत रखवाले भाग गए तथा नगर और पास के क्षेत्रों में जाकर इस घटना के विषय में बताने लगे। नगरवासी जो कुछ हुआ था उसे देखने वहां आने लगे। जब वे मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वस्त्र धारण किए हुए सचेत स्थिति में वहां बैठा था। ये वही व्यक्ति था जिसमें प्रेतों की सेना बैठी थी। ये देख वे डर गए। सारे घटनाक्रम को देखने वाले लोगों ने उनके सामने इसका बयान किया कि प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति तथा सुअरों के साथ क्या क्या हुआ है। इस पर वे मसीह यीशु से विनती करने लगे कि वो उनके क्षेत्र से बाहर चले जाएं। जब मसीह यीशु नाव पर सवार हो रहे थे, प्रेतों से विमुक्त हुआ व्यक्ति मसीह यीशु से विनती करने लगा,
ताकि उसे उनके साथ ले लिया जाए। मसीह यीशु ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी, परंतु उसे आदेश दिया, अपने परिजनों के पास लौट जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए प्रभु ने कैसे कैसे आश्चर्य काम किए हैं तथा तुम पर उनकी कैसी कृपा दृष्टि हुई है। वो देकापोलिस नगर में गया और उन कामों का वर्णन करने लगा जो मसीह यीशु ने उसके लिए किए थे। ये सुन सभी चकित रह गए। मसीह यीशु दोबारा झील के दूसरे तट पर चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। मसीह यीशु झील तट पर ही रहे। स्थानीय यहूदी सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम याइरास था वहां आया। ये देख कि वो कौन है, वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। बड़ी ही विनती के साथ उसने मसीह यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए कि वो स्वस्थ हो जाए और जीवित रहे। मसीह यीशु उसके साथ चले गए। बड़ी भीड़ भी उनके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उन पर गिरे पड़ रहे थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक चिकित्सकों के हाथों उसने अनेक पीड़ाएं सही थी। इसमें वो अपना सब कुछ व्यय कर चुकी थी, फिर भी इससे उसे लाभ के बदले हानि ही उठानी पड़ी थी। मसीह यीशु के विषय में सुनकर उसने भीड़ में उनके पीछे आकर उनका वस्त्र छुआ। उसका ये विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव थम गया। स्वयं उसे अपने शरीर में ये मालूम हो गया कि वो अपनी पीड़ा से ठीक हो चुकी है। उसी क्षण मसीह यीशु को भी आभास हुआ कि उनमें से सामर्थ्य निकली है। भीड़ में ही उन्होंने मुड़कर प्रश्न किया, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? शिष्यों ने उनसे कहा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भीड़ आप पर गिरी पड़ रही है, और आप प्रश्न कर रहे हैं कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? प्रभु की दृष्टि उसे खोजने लगी जिसने किया था। वो स्त्री ये जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, भय से कांपती हुई उनके चरणों पर आ गिरी और उन पर सारी सच्चाई प्रकट कर दी। मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है, शांति में विदा हो जाओ और स्वस्थ रहो। जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, याइरास के घर से आए कुछ लोगों ने ये सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट देने का क्या लाभ? मसीह यीशु ने सुन उस यहूदी सभागृह अधिकारी से कहा, भयभीत ना हो, केवल विश्वास करो। उन्होंने पत्रस, याकोब तथा याकोब के भाई योहन के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति न दी, और ये सब यहूदी सभागृह अधिकारी के घर पर पहुंचे। मसीह यीशु ने देखा कि वहां शोर मचा हुआ है तथा लोग ऊंची आवाज में रो पीट रहे हैं। घर में प्रवेश कर मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ये शोर और रोना पीटना क्यों? बच्ची की मृत्यु नहीं हुई है, वो केवल सो रही है। ये सुन वे मसीह यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उन सभी को वहां से बाहर निकाल बच्ची के पिता तथा अपने साथियों को साथ ले उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वो बालिका थी। वहां उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कोम, अर्थात बालिके उठो। उसी क्षण वो उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। इस पर वे सभी चकित रह गए। बालिका की आयु 12 वर्ष थी। मसीह यीशु ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिए कि इस घटना के विषय में कोई भी जानने ना पाए, और फिर उनसे कहा कि उस बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। मसीह यीशु वहां से अपने गृह नगर आए। उनके शिष्य उनके साथ थे। शब्बात पर वो यहूदी सभागृह में शिक्षा देने लगे। उसे सुन उनमें से अनेक चकित हो कहने लगे, कहां से प्राप्त हुआ इसे ये सब? कहां से प्राप्त हुआ है इसे ये बुद्धि कौशल और ये अद्भुत काम करने की क्षमता? क्या ये वही बड़ा ही नहीं? क्या ये मरियम का पुत्र तथा याकोब, योसेस, यहूदा तथा शिमोन का भाई नहीं? क्या उसकी बहनें हमारे मध्य नहीं है? इस पर उन्होंने मसीह यीशु को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता हर जगह सम्मानित होता है सिवाय अपने स्वयं के नगर में।
अपने संबंधियों तथा परिवार के मध्य कुछ रोगियों पर हाथ रख उन्हें स्वस्थ करने के अतिरिक्त मसीह यीशु वहां कोई अन्य अद्भुत काम न कर सके। मसीह यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मसीह यीशु नगर नगर जाकर शिक्षा देते रहे। उन्होंने उन 12 को बुलाया और उन्हें प्रेतों पर अधिकार देते हुए उन्हें दो दो करके भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिए, इस यात्रा में छड़ी के अतिरिक्त अपने साथ कुछ न ले जाना, न भोजन, न झोली और न पैसा। हाँ, चप्पल तो पहन सकते हो, किंतु अतिरिक्त बाहरी वस्त्र नहीं। आगे उन्होंने कहा, जिस घर में तुम ठहरो उस नगर से विदा होने तक वहीं रहना। जहाँ कहीं तुम्हें स्वीकार न किया जाए या तुम्हारा प्रवचन न सुना जाए, वो स्थान छोड़ते हुए अपने पैरों की धूल वहीं झाड़ देना कि ये उनके विरुद्ध प्रमाण हो। शिष्यों ने प्रस्थान किया। वे ये प्रचार करने लगे कि पश्चाताप सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने अनेक दुष्ट आत्माएं निकाली तथा अनेक रोगियों को तेल मलकर उन्हें स्वस्थ किया। राजा हेरोदेस तक इसका समाचार पहुंच गया, क्योंकि मसीह यीशु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। यही कारण है कि मसीह यीशु में ये अद्भुत सामर्थ्य प्रकट है। कुछ कह रहे थे वो एलिया है। कुछ ये भी कहते सुने गए वो एक भविष्यद्वक्ता है, अतीत में हुए भविष्यद्वक्ताओं के समान। ये सब सुनकर हेरोदेस कहता रहा, योहन जिसका मैंने वध करवाया था जीवित हो गया है। स्वयं हेरोदेस ने योहन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसने अपने भाई फिलिपोस की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था। योहन हेरोदेस को याद दिलाते रहते थे, तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी को रख लेना व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इसलिए हेरोदियास के मन में योहन के लिए शत्रु भाव पनप रहा था। वो उनका वध करवाना चाहती थी, किंतु उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। हेरोदेस योहन से डरता था, क्योंकि वो जानता था कि योहन एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति है। हेरोदेस ने योहन को सुरक्षित रखा था। योहन के प्रवचन सुनकर वो घबराता तो था, फिर भी उसे उनके प्रवचन सुनना बहुत प्रिय था। आखिरकार हेरोदियास को वो मौका प्राप्त हो ही गया। अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हेरोदेस ने अपने सभी उच्च अधिकारियों, सेनापतियों और गलील प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भोज पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर हेरोदियास की पुत्री ने वहां अपने नृत्य के द्वारा हेरोदेस और अतिथियों को मोह लिया। राजा ने पुत्री से कहा, मुझसे चाहे जो मांग लो मैं दूंगा। राजा ने सौगंध खाते हुए कहा, तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो। अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछा, क्या मांगू? बपतिस्मा देने वाले योहन का सर, उसने कहा। पुत्री ने तुरंत जाकर राजा से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय एक बर्तन में बपतिस्मा देने वाले योहन का सिर लाकर दें। हालांकि राजा को इससे गहरा दुख तो हुआ, किंतु आमंत्रित अतिथियों के सामने ली गई अपनी सौगंध के कारण वो अस्वीकार न कर सका। तत्काल राजा ने एक जल्लाद को बुलवाया और योहन का सिर ले आने की आज्ञा दी। वो गया, कारागार में योहन का वध किया और उनका सिर एक बर्तन में रखकर पुत्री को सौंप दिया, और उसने जाकर अपनी माता को सौंप दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका समाचार प्राप्त हुआ, वे आए और योहन के शव को ले जाकर एक कब्र में रख दिया। प्रेरित लौटकर मसीह यीशु के पास आए और उन्हें अपने द्वारा किए गए कामों और दी गई शिक्षा का विवरण दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, आओ कुछ समय के लिए कहीं एकांत में चलें और विश्राम करें, क्योंकि अनेक लोग आ जा रहे थे और उन्हें भोजन तक का अवसर प्राप्त न हो सका था। वे चुपचाप नाव पर सवार हो एक सुनसान जगह पर चले गए। लोगों ने उन्हें वहां जाते हुए देख लिया। अनेकों ने यह भी पहचान लिया कि वे कौन थे। आसपास के नगरों से अनेक लोग दौड़ते हुए उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे। जब मसीह यीशु तट पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा देखा। उसे देख वो दुखी हो उठे, क्योंकि उन्हें भीड़ बिना चरवाहे की भेड़ों के समान लगी। वहां मसीह यीशु उन्हें अनेक विषयों पर शिक्षा देने लगे। दिन ढल रहा था। शिष्यों ने मसीह यीशु के पास आकर उनसे कहा, ये सुनसान जगह है और दिन ढला जा रहा है,
अब आप इन्हें विदा कर दीजिए कि ये पास के गांवों में जाकर अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सके। किंतु मसीह यीशु ने उन्हीं से कहा, तुम ही दो इन्हें भोजन। शिष्यों ने इसके उत्तर में कहा, इतनों के भोजन में कम से कम 200 दिनार लगेंगे, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर इनके लिए इतने का भोजन ले आएं? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं यहाँ, जाओ पता लगाओ। उन्होंने पता लगाकर उत्तर दिया, 5 और इनके अलावा 2 मछलियां भी। मसीह यीशु ने सभी लोगों को झुंडों में हरी घास पर बैठ जाने की आज्ञा दी। वे सभी 100-100 और 50-50 के झुंडों में बैठ गए। मसीह यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उनके लिए धन्यवाद प्रकट किया। तब वो रोटियां तोड़ते और शिष्यों को देते गए कि वे उन्हें भीड़ में बांटते जाएं। इसके साथ उन्होंने वे 2 मछलियां भी उन्हें बांट दी। उन सभी ने खाया और तृप्त हो गए। शिष्यों ने जब तोड़ी गई रोटियों तथा मछलियों के शेष भाग इकट्ठा किए तो उनसे 12 टोकरे भर गए। जिन्होंने भोजन किया था उनमें से पुरुष ही 5,000 थे। तुरंत ही मसीह यीशु ने शिष्यों को जबरन नाव पर बैठा उन्हें अपने से पहले दूसरे किनारे पर स्थित नगर बैतसैदा पहुंचने के लिए विदा किया। वो स्वयं भीड़ को विदा कर रहे थे। उन्हें विदा करने के बाद वो प्रार्थना के लिए पर्वत पर चले गए। संध्या हो चुकी थी। नाव झील के मध्य में थी। मसीह यीशु किनारे पर अकेले थे। मसीह यीशु देख रहे थे कि हवा उल्टी दिशा में चलने के कारण शिष्यों को नाव खेने में कठिन प्रयास करना पड़ रहा था। रात के चौथे प्रहर मसीह यीशु झील की सतह पर चलते हुए उनके पास जा पहुंचे और ऐसा एहसास हुआ कि वो उनसे आगे निकलना चाह रहे थे। उन्हें जल सतह पर चलता देख शिष्य समझे कि कोई प्रेत है और वे चिल्ला उठे, क्योंकि उन्हें देख वे भयभीत हो गए थे। इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं हूँ, मत डरो, साहस मत छोड़ो। ये कहते हुए वो उनकी नाव में चढ़ गए और वायु थम गई। शिष्य इससे अत्यंत चकित रह गए। रोटियों की घटना अब तक उनकी समझ से परे थी। उनके हृदय निर्बुद्धि जैसे हो गए थे। झील पार कर वे गनेसरत प्रदेश में पहुंच गए। उन्होंने नाव वहीं लगा दी। मसीह यीशु के नाव से उतरते ही लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जहां कहीं भी मसीह यीशु होते थे, लोग दौड़ दौड़ कर बिछौनों पर रोगियों को वहां ले आते थे। मसीह यीशु जिस किसी नगर, गांव या बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करते थे, लोग रोगियों को सार्वजनिक स्थलों में लिटाकर उनसे विनती करते थे कि उन्हें उनके वस्त्र के छोर का स्पर्श मात्र ही कर लेने दें। जो कोई उनके वस्त्र का स्पर्श कर लेता था स्वस्थ हो जाता था। यरूशलेम नगर से फरीसियों तथा कुछ शास्त्रियों ने आकर मसीह यीशु को घेर लिया। उन्होंने देखा कि मसीह यीशु के कुछ शिष्य सांस्कारिक रूप से अशुद्ध हाथों से, यानी बिना धोए हुए हाथों से भोजन कर रहे हैं। फरीसी और सभी यहूदी हाथों को भली भांति धोए बिना भोजन नहीं करते। ऐसा करते हुए वे पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन करते थे। हाट से लौटने पर वे स्वयं को पारंपरिक रीति से शुद्ध किए बिना भोजन नहीं करते थे। वे चली आ रही अन्य अनेक प्रथाओं का पालन करते चले आए थे, जैसे कटोरों, घड़ों तथा पकाने के तांबे के बर्तनों का धोना। फरीसियों तथा शास्त्रियों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, तुम्हारे शिष्य पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन क्यों नहीं करते? वे अशुद्ध हाथों से भोजन करते हैं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप पाखंडियों के लिए भविष्यद्वक्ता यशायाह की यह भविष्यवाणी ठीक ही है, ये लोग मात्र होठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु उनका हृदय मुझसे अत्यंत दूर है। मेरे प्रति उनकी उपासना व्यर्थ है। उनकी शिक्षाएं मात्र मनुष्य के मस्तिष्क की उपज हैं। आप लोग मनुष्य की परंपराओं का तो पालन करते जाते हैं, किंतु परमेश्वर की आज्ञा को टालते जाते हैं। मसीह यीशु ने उनसे ये भी कहा, आप लोग कितनी सुविधापूर्वक परंपराओं का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। मूसे की आज्ञा है, अपने माता और पिता का सम्मान करो तथा उसे जो अपने माता या पिता के विषय में बुरा कहे मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु आपका कहना है, यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या माता से इस प्रकार कहे, मेरी संपत्ति में से जो कुछ आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हो सकता था वो कुर्बान है, अर्थात परमेश्वर को समर्पित। इसके द्वारा आप उसे अपने पिता और अपनी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। अपनी इस प्रथा के द्वारा जो पूर्वजों से चली आई है, आप परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। आप ऐसे ही अनेक काम किया करते हैं। इसके बाद मसीह यीशु ने भीड़ को दोबारा अपने पास बुलाकर उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। मनुष्य को अशुद्ध तो वो करता है जो उसमें से बाहर आता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले।
जब भीड़ से विदा ले वो घर में आ गए, उनके शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत के विषय में प्रश्न किया। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, क्या तुम में भी बुद्धि का इतना अभाव है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि जो कुछ मनुष्य में बाहर से प्रवेश करता है उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं परंतु उसके आमाशय में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मसीह यीशु ने सभी प्रकार के भोजन को स्वच्छ घोषित कर दिया। जो मनुष्य में से बाहर आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के भीतर से, मनुष्य के हृदय ही से बुरे विचार बाहर आते हैं, जो उसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुराचारिता, छल कपट, कामुकता, जलन, निंदा, अहंकार तथा मूर्खता की ओर लगा देते हैं। ये सभी अवगुण मनुष्य के अंतर से बाहर आते हैं तथा उसे अशुद्ध करते हैं। मसीह यीशु वहां से निकलकर सोर प्रदेश में चले गए, जहां वो एक घर में ठहरे हुए थे और नहीं चाहते थे कि भीड़ को उनके विषय में कुछ मालूम हो, किंतु उनका वहां आना छिप ना सका। उनके विषय में सुनकर एक स्त्री उनसे भेंट करने वहां आई, जिसकी पुत्री प्रेत आत्मा से पीड़ित थी। वहां प्रवेश करते ही वो मसीह यीशु के चरणों पर जा गिरी। वो स्त्री यूनानी थी, सुरोफा यानी की जाति की। वो मसीह यीशु से विनती करती रही कि वो उसकी पुत्री में से प्रेत को निकाल दे। मसीह यीशु ने उससे कहा, पहले बालकों को तो तृप्त हो जाने दो, उन्हें परोसा भोजन उनसे लेकर कुत्तों को देना सही नहीं। किंतु इसके उत्तर में उस स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, किंतु कुत्ते भी तो बालकों की मेज पर से गिरे हुए चूर चार को ही खाते हैं। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे इस उत्तर का परिणाम ये है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारी पुत्री को छोड़कर जा चुकी है, घर लौट जाओ। घर पहुंचकर उसने अपनी पुत्री को बिछौने पर लेटा हुआ पाया, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर जा चुकी थी। तब वो सोर के क्षेत्र से निकलकर सीदोन क्षेत्र से होते हुए गलील झील के पास आए, जो डेकापोलिस अंचल में था। लोग उनके पास एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो बहरा था तथा बड़ी कठिनाई से बोल पाता था। लोगों ने मसीह यीशु से उस व्यक्ति पर हाथ रखने की विनती की। मसीह यीशु उस व्यक्ति को भीड़ से दूर एकांत में ले गए। वहां उन्होंने उसके कानों में अपनी उंगलियां डाली, इसके बाद अपनी लार उसकी जीभ पर लगाई। तब एक गहरी आह भरते हुए स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाकर उन्होंने उस व्यक्ति को संबोधित कर कहा, एफाथा, अर्थात खुल जा। उस व्यक्ति के कान खुल गए, उसकी जीभ की रुकावट भी जाती रही और वो सामान्य रूप से बातें करने लगा। मसीह यीशु ने लोगों को आज्ञा दी कि वे इसके विषय में किसी से न कहें, किंतु मसीह यीशु जितना रोकते थे वे उतना ही अधिक प्रचार करते जाते थे। लोग आश्चर्य से भरकर कहा करते थे, वो जो कुछ करते हैं भला ही करते हैं, यहाँ तक कि वो बहरे को सुनने की तथा गूंगे को बोलने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं दिनों की घटना है कि एक बार फिर वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उनके पास खाने को कुछ ना था। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, इनके लिए मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है, क्योंकि ये सब 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं। इनके पास अब कुछ भी भोजन सामग्री नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं, वे मार्ग में ही मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ तो अत्यंत दूर से आए हैं। शिष्य उनसे पूछने लगे, प्रभु, इस सुनसान जगह में इन सबके लिए पर्याप्त भोजन कोई कहां से लाएगा? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? 7, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने भीड़ को भूमि पर बैठ जाने की आज्ञा दी। फिर 7 रोटियां ली, उनके लिए धन्यवाद प्रकट कर उन्हें तोड़ा और उन्हें बांटने के लिए शिष्यों को देते गए। शिष्य उन्हें भीड़ में बांटते गए।
उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। उन पर धन्यवाद करते हुए मसीह यीशु ने उन्हें भी बांटने की आज्ञा दी। लोग खाकर तृप्त हुए। उन्होंने तोड़ी हुई रोटियों के शेष टुकड़ों को इकट्ठा कर 7 बड़े टोकरे भर लिए। इस भीड़ में लगभग 4,000 लोग थे। तब मसीह यीशु ने उन्हें विदा किया। इसके बाद मसीह यीशु बिना देर किए अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर दालमनूथा क्षेत्र में आ गए। फरीसियों ने आकर उनसे विवाद प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह परखने के लिए कि मसीह यीशु परमेश्वर पुत्र हैं, चमत्कार चिन्ह की मांग की। मसीह यीशु ने अपने अंदर में गहरी पीड़ा में करहाते हुए उन्हें उत्तर दिया, ये पीढ़ी चमत्कार चिन्ह क्यों चाहती है? सच तो ये है कि इस पीढ़ी को कोई भी चमत्कार चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उन्हें छोड़कर मसीह यीशु नाव पर सवार हो दूसरी ओर चले गए। शिष्य अपने साथ भोजन रखना भूल गए थे। उनके पास नाव में मात्र 1 रोटी थी। मसीह यीशु ने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, फरीसियों के खमीर से तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। वो ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने साथ रोटियां नहीं रखी। उनकी स्थिति समझते हुए मसीह यीशु ने उनसे कहा, रोटी के ना होने के विषय में वाद विवाद क्यों किए जा रहे हो? क्या अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है? आंखें होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कानों के होते हुए भी तुम कुछ सुन नहीं पा रहे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? जब मैंने 5,000 व्यक्तियों के लिए 5 रोटियां परोसी तो तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 12, उन्होंने उत्तर दिया। जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियां परोसी तब तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 7, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? वे बैतसैदा नगर आए। वहां लोग एक अंधे व्यक्ति को उनके पास लाए और उनसे विनती की कि वो उसका स्पर्श करे। मसीह यीशु उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव से बाहर ले गए। वहां उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों पर थूका और उस पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर दृष्टि करते हुए कहा, मुझे लोग दिख रहे हैं, परंतु वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे चलते फिरते पेड़। मसीह यीशु ने दोबारा उस पर अपने हाथ रखे और उसकी ओर एक टक देखा और उसे दृष्टि प्राप्त हो गई। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मसीह यीशु ने उसे उसके घर भेजते हुए कहा, अब इस गांव में कभी ना आना। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया प्रांत के फिलिपोय नगर के पास के गांवों की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अपने शिष्यों से ये प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोगों का क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ के लिए बपतिस्मा देने वाले योहन, कुछ के लिए एलिया तथा कुछ के लिए आप भविष्यद्वक्ताओं में से एक हैं। तुम्हारा अपना मत क्या है? मसीह यीशु ने उनसे आगे प्रश्न किया। पत्रस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि वे किसी से भी उनकी चर्चा न करें। तब मसीह यीशु उन्हें यह समझाने लगे कि यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अनेक यातनाएं सहे, पुरनियों, प्रधान पुरोहितों तथा विधान के शिक्षकों द्वारा तुच्छ घोषित किया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से जीवित हो जाए। ये सब उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा। उनके इस कथन पर पत्रस उन्हें अलग ले जाकर डांटने लगे। किंतु मसीह यीशु पीछे मुड़े और अपने शिष्यों को देखकर उन्होंने पत्रस को डांटा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से शैतान, तेरा मन परमेश्वर संबंधी विषयों में नहीं परंतु मनुष्य संबंधी विषयों में लगा हुआ है।
तब उन्होंने भीड़ के साथ अपने शिष्यों को भी अपने पास बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार कर अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए कि जो कोई अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है वो उसे गवा देगा, तथा जो कोई मेरे तथा सुसमाचार के लिए अपने प्राण गवा देता है उसे सुरक्षित पाएगा। क्या लाभ यदि कोई मनुष्य सारा संसार तो प्राप्त कर ले किंतु अपना प्राण खो बैठे। मनुष्य किस वस्तु से अपने प्राणों की तुलना करे? जो कोई इस अविश्वासी तथा पापमय युग में मुझे तथा मेरे वचन को लज्जा का विषय समझता है, मनुष्य का पुत्र भी जब वो अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्ग दूतों के साथ आएगा उसे स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करेगा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक बिल्कुल न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख लें। छह दिन बाद मसीह यीशु केवल पतरस, याकोब तथा योहन को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए कि उन्हें वहां एकांत मिल सके। वहां उन्हीं के सामने मसीह यीशु का रूपांतरण हुआ। उनके वस्त्र उज्जवल तथा इतने अधिक सफेद हो गए कि पृथ्वी पर कोई भी किसी भी रीति से इतनी उज्जवल सफेदी नहीं ला सकता। उन्हें वहां मोशे के साथ एलिया दिखाई दिए। वे मसीह यीशु के साथ बातें कर रहे थे। ये देख पतरस बोल उठे, रब्बी, हमारा यहाँ होना कितना सुखद है। हम यहाँ तीन मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। पतरस को ये मालूम ही न था कि वो क्या कहे जा रहे हैं, इतने अत्यधिक भयभीत हो गए थे शिष्य। तभी एक बादल ने वहां अचानक प्रकट होकर उन्हें ढक लिया और उसमें से निकला एक शब्द सुनाई दिया, ये मेरा पुत्र है, मेरा परम प्रिय, जो वो कहता है उस पर ध्यान दो। तभी उन्होंने देखा कि मसीह यीशु के अतिरिक्त वहां कोई भी न था। पर्वत से नीचे उतरते हुए मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जीवित न हो जाए तब तक जो उन्होंने देखा है उसकी चर्चा किसी से न करें। इस घटना को उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। हाँ, वे इस विषय पर विचार विमर्श अवश्य करते रहे कि मरे हुओं में से जीवित होने का मतलब क्या हो सकता है। शिष्यों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या कारण है कि शास्त्री कहते हैं कि पहले एलिया का आना अवश्य है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सच है, एलिया ही पहले आएगा तथा सब कुछ व्यवस्थित करेगा। अब ये बताओ, पवित्र शास्त्र में मनुष्य के पुत्र के विषय में वर्णन क्यों है कि उसे अनेक यातनाएं दी जाएंगी तथा उसे तुच्छ समझा जाएगा? सुनो, वास्तव में एलिया आ चुके और उन्होंने उनके साथ मनमाना व्यवहार किया, ठीक जैसा कि वर्णन किया गया था। जब ये तीन लौटकर शेष शिष्यों के पास आए तो देखा कि एक बड़ी भीड़ उन शिष्यों के चारों ओर इकट्ठा है और शास्त्री वाद विवाद किए जा रहे थे। मसीह यीशु को देखते ही भीड़ को आश्चर्य हुआ और वो नमस्कार करने उनकी ओर दौड़ पड़ी। मसीह यीशु ने शिष्यों से पूछा, किस विषय पर उनसे वाद विवाद कर रहे थे तुम? भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे कहा, गुरुवर, मैं अपने पुत्र को आपके पास लाया था, उसमें समाई हुई आत्मा ने उसे गूंगा बना दिया है। जब ये दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल होती है उसे भूमि पर पटक देती है, उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, वो दांत पीसने लगता है तथा उसका शरीर ऐंठ जाता है। मैंने आपके शिष्यों से इसे निकालने की विनती की थी किंतु वे असफल रहे। मसीह यीशु ने भीड़ से कहा, अरे अविश्वासी पीढ़ी, मैं अब और कितने समय तुम्हारे साथ हूँ? मैं कब तक तुम्हारे साथ धीरज रखूँ? यहाँ लाओ उस बालक को। लोग बालक को उनके पास ले आए। मसीह यीशु पर दृष्टि पड़ते ही प्रेत ने बालक में ऐंठन उत्पन्न कर दी। वो भूमि पर गिरकर लौटने लगा और उसके मुंह से फेन आने लगा। मसीह यीशु ने बालक के पिता से पूछा, ये सब कब से हो रहा है? बचपन से, उसने उत्तर दिया। इस प्रेत ने उसे हमेशा जल और आग दोनों में ही फेंक कर नाश करने की कोशिश की है। यदि आपके लिए कुछ संभव है हम पर दया कर हमारी सहायता कीजिए। यदि आपके लिए, मसीह यीशु ने कहा, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। ऊंचे शब्द में बालक के पिता ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। जब मसीह यीशु ने देखा कि और अधिक लोग बड़ी शीघ्रता पूर्वक वहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं
उन्होंने प्रेत को डांटते हुए कहा, ओ गूंगे और बहरे प्रेत, मेरा आदेश है कि इसमें से बाहर निकल जा और इसमें फिर कभी प्रवेश न करना। उस बालक को और भी अधिक भयावह ऐठन में डालकर चिल्लाते हुए वो प्रेत उसमें से निकल गया। वो बालक ऐसा हो गया मानो उसके प्राण ही निकल गए हों। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे, इसकी मृत्यु हो गई है। किंतु मसीह यीशु ने बालक का हाथ पकड़ उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब मसीह यीशु ने उस घर में प्रवेश किया, एकांत पाकर शिष्यों ने उनसे पूछा, हम प्रेत को क्यों निकाल ना पाए? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस वर्ग को किसी अन्य उपाय द्वारा निकाला ही नहीं जा सकता सिवाय प्रार्थना के। वहां से निकलकर उन्होंने गलील प्रदेश का मार्ग लिया। मसीह यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस यात्रा के विषय में मालूम हो, इसलिए कि मसीह यीशु अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे रहे थे। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वा दिया जाएगा, वे उसकी हत्या कर देंगे, 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से जीवित हो जाएगा। किंतु ये विषय शिष्यों की समझ से परे रहा तथा वे इसका अर्थ पूछने में डर भी रहे थे। कफरनहूम नगर पहुंचकर जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, मसीह यीशु ने शिष्यों से पूछा, मार्ग में तुम किस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे? शिष्य मौन बने रहे, क्योंकि मार्ग में उनके विचार विमर्श का विषय था, उनमें बड़ा कौन है। मसीह यीशु ने बैठते हुए 12 को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यदि किसी की इच्छा बड़ा बनने की है, वो छोटा हो जाए और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को उनके मध्य खड़ा किया और फिर उसे गोद में लेकर शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जो कोई ऐसे बालक को मेरे नाम में स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है, तथा जो कोई मुझे स्वीकार करता है, वो मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को स्वीकार करता है। यूहन्ना ने मसीह यीशु को सूचना दी, गुरुवर, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए देखा है, हमने उसे रोकने का प्रयास किया क्योंकि वो हम में से नहीं है। मत रोको उसे, मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, कोई भी जो मेरे नाम में अद्भुत काम करता है, दूसरे ही क्षण मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमारे विरुद्ध नहीं है, हमारे पक्ष में ही है। यदि कोई तुम्हें एक कटोरा जल इसलिए पिलाता है कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, वो अपना प्रतिफल न खोएगा। और यदि कोई इन मासूम बालकों के, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, पतन का कारण बने, उसके लिए सही यही होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांध उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसे काट फेंको। तुम्हारे लिए सही ये होगा कि तुम एक विकलांग के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों हाथों के होते हुए नर्क में जाओ, जहां आग कभी नहीं बुझती, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हारा पांव तुम्हारे लिए ठोकर का कारण हो जाता है, उसे काट फेंको। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम लंगड़े के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दो पांवों के होते हुए नरक में फेंके जाओ, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम एक आँख के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों आंखों के साथ नरक में फेंके जाओ, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। हर एक व्यक्ति आग द्वारा नमकीन किया जाएगा। नमक एक आवश्यक वस्तु है, किंतु यदि नमक अपना खारापन खो बैठे, तो किस वस्तु से उसका खारापन वापस कर सकोगे? तुम स्वयं में नमक तथा आपस में मेल मिलाप बनाए रखो। मसीह यीशु वहां से निकलकर यहूदिया के उस क्षेत्र में चले गए जो यर्दन नदी के पार था। भीड़ फिर से उनके चारों ओर इकट्ठी हो गई। अपनी रीति के अनुसार मसीह यीशु ने एक बार फिर उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्हें परखने के उद्देश्य से कुछ फरीसी उनके पास आ गए। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या पुरुष के लिए पत्नी से तलाक लेना व्यवस्था के अनुसार है? मसीह यीशु ने ही उनसे प्रश्न किया, तुम्हारे लिए मोशे का आदेश क्या है?
फरीसियों ने उन्हें उत्तर दिया, मोशे ने तलाक पत्र लिखकर पत्नी का त्याग करने की अनुमति दी है। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया, तुम्हारे कठोर हृदय के कारण मोशे ने तुम्हारे लिए ये आज्ञा रखी, किंतु वास्तव में सृष्टि के प्रारंभ ही से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। यही कारण है कि पुरुष अपने माता पिता से मोहबंध तोड़ देगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप अब वे दोनों दो नहीं परंतु एक शरीर हैं। इसलिए जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। जब वे दोबारा अपने घर आए, शिष्यों ने मसीह यीशु से इसके विषय में जानना चाहा। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया, यदि कोई अपनी पत्नी से तलाक लेकर अन्य स्त्री से विवाह करता है, वो उस अन्य स्त्री के साथ व्यभिचार करता है। यदि स्वयं स्त्री अपने पति से तलाक लेकर अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, वो भी व्यभिचार करती है। मसीह यीशु को छू लेने के उद्देश्य से लोग बालकों को उनके पास ला रहे थे। इस पर शिष्य उन्हें डांटने लगे। ये देख मसीह यीशु ने अप्रसन्न होते हुए उनसे कहा, बालकों को यहाँ आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों का ही है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान स्वीकार नहीं करता, उसका इसमें प्रवेश संभव ही नहीं है। तब मसीह यीशु ने बालकों को अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया। मसीह यीशु अपनी यात्रा प्रारंभ कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकते हुए उनसे पूछने लगा, उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मसीह यीशु ने उससे कहा, उत्तम मुझे क्यों कह रहे हो? परमेश्वर के अलावा उत्तम कोई भी नहीं है। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, छल ना करो, माता पिता का सम्मान करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं बाल्यावस्था से इनका पालन करता आया हूं। युवक को एक टक देखते हुए मसीह यीशु का हृदय उस युवक के प्रति स्नेह से भर गया। उन्होंने उससे कहा, एक ही कमी है तुम्हें, जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्राप्त राशि गरीबों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा, लौट कर आओ और मेरा अनुगमन करो। ये शब्द सुनते ही उसका मुंह लटक गया, वो शोकित हृदय से लौट गया, क्योंकि वो बड़ी संपत्ति का स्वामी था। मसीह यीशु ने अपने आसपास इकट्ठा शिष्यों से कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश कितना कठिन होगा। मसीह यीशु के इन विचारों से शिष्य चकित रह गए। एक बार फिर मसीह यीशु ने उनसे कहा, अज्ञानियों, कैसा कठिन होता है, कितना कठिन होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान के प्रवेश की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सरल है। ये सुन शिष्य और भी अधिक चकित हो गए और मसीह यीशु से पूछने लगे, तब उद्धार किसका हो सकेगा? उनकी ओर देखते हुए मसीह यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। पत्रस मसीह यीशु से बोले, हम तो अपना सब कुछ त्याग कर आपके पीछे हो लिए हैं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम पर एक अटल सच प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे तथा सुसमाचार के हित में अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान या संपत्ति का त्याग किया हो। उसे इस युग में सताव के साथ प्रतिफल स्वरूप परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान तथा संपत्ति का 100 गुना तथा आने वाले समय में अनंत काल का जीवन प्राप्त ना होगा, किंतु अनेक जो पहले हैं अंतिम होंगे तथा जो अंतिम हैं वे पहले। यरूशलेम नगर की ओर जाते हुए मसीह यीशु उन सब के आगे आगे चल रहे थे। शिष्य चकित थे तथा अन्य पीछे चलने वाले लोग डरे हुए थे। 12 को अलग ले जाकर मसीह यीशु ने उन्हें बताना प्रारंभ किया कि स्वयं उनके साथ क्या क्या होना जरूरी है। हम यरूशलेम नगर को जा रहे हैं, वहाँ मनुष्य के पुत्र को प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। वे उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा प्रसारित करेंगे तथा उसे अन्य जातियों को सौंप देंगे। वे सब उसकी ठट्ठा करेंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और उसकी हत्या कर देंगे, तथा 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से फिर जीवित हो जाएगा।
जेबिदियास के दोनों पुत्र याकोब तथा योहन मसीह यीशु के पास आकर विनती कर कहने लगे, गुरुवर, हमारी इच्छा है कि हम आपसे जो भी विनती करें आप उसे हमारे लिए पूरी कर दें। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? हमारी इच्छा है कि आपकी महिमा के समय हम आपकी दाईं तथा बाईं ओर में बैठें। उन्होंने विनती की। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें तो ये मालूम ही नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम में वो प्याला पीने की क्षमता है जिसे मैं पीने पर हूँ, या तुम में उस बपतिस्मा में बपतिस्मित होने की क्षमता है जिसमें मुझे बपतिस्मा दिया गया है? उन्होंने उत्तर दिया, अवश्य। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, वो प्याला जो मैं पीऊंगा तुम भी पियोगे, तथा तुम्हें वही बपतिस्मा दिया जाएगा जो मुझे दिया गया है। किंतु किसी को अपने दाएं या बाएं पक्ष में बैठाना मेरा अधिकार नहीं। ये स्थान उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं जिन्हें इनके लिए तैयार किया गया है। जब शेष 10 ने ये सब सुना तो वे याकोब और योहन पर नाराज हो गए। उन सबको अपने पास बुलाकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, वे जो अन्य जातियों में शासकों के रूप में जाने जाते हैं उनको दबाया करते तथा उनके बड़े अधिकारी उन पर अपना अधिकार दिखाया करते हैं, किंतु तुम्हारे विषय में ऐसा नहीं है। तुम में जो बड़ा बनने का इच्छुक है उसको तुम्हारा सेवक हो जाना जरूरी है। तुम में जो प्रथम होने का इच्छुक है उसको सबका दास हो जाना जरूरी है, क्योंकि स्वयं मनुष्य का पुत्र अन्यों से सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने तथा अनेकों के उद्धार के लिए फिरौती के रूप में अपने प्राण बलिदान करने आया है। इसके बाद मसीह यीशु यरीखो नगर आए। जब वो अपने शिष्यों तथा एक विशाल भीड़ के साथ यरीखो नगर से निकलकर जा रहे थे, उन्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति तिमाऊ का पुत्र बारतिमाऊ भीख मांगता हुआ मिला। जब उसे ये मालूम हुआ कि वो यात्री नाजरेतवासी मसीह यीशु है, वो पुकारने लगा, दाविद पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। उनमें से अनेक उसे पुकारने से रोकने की भरपूर कोशिश करने लगे, किंतु वो और भी अधिक पुकारता गया, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु ने रुककर आज्ञा दी, उसे यहां ले आओ। तब उन्होंने उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर उससे कहा, उठो, आनंद मनाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। अंधा व्यक्ति बाहरी वस्त्र फेंक उछल कर खड़ा हो गया तथा मसीह यीशु के पास आ गया। मसीह यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूँ रब्बी, अंधे ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, जाओ, ये तुम्हारा विश्वास है जिसके द्वारा तुम स्वस्थ हो गए हो। उसी क्षण उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई और वो उनके पीछे चलने लगा। जब वे यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के समीप बैथनिया तथा बैतफगे गांव के पास पहुंचे, मसीह यीशु ने अपने दो शिष्यों को यह आज्ञा देकर भेजा, इस गांव में जाओ, वहां प्रवेश करने पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ दिखाई देगा जिस पर अब तक कोई नहीं बैठा है, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे ये पूछे ये क्या कर रहे हो तो तुम ये उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वो शीघ्र ही इसे लौटा देंगे। वे चले गए। उन्होंने गली में द्वार के पास एक बच्चे को बंधे देखा। उन्होंने उसे खोल लिया। वहां खड़े हुए कुछ व्यक्तियों ने यह देख उनसे पूछा, क्यों खोल रहे हो उसे? उन्होंने उन्हें वही उत्तर दिया जैसा मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया था, और उन व्यक्तियों ने उन्हें वह बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी। वे उस बच्चे को मसीह यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने वस्त्र उस पर बिछा दिए और मसीह यीशु उस पर बैठ गए। अनेकों ने मार्ग पर अपने वस्त्र बिछा दिए और कुछ ने नए पत्तों से लदी हुई डालियां जो वे मैदान से काट कर लाए थे। वे सब लोग जो मसीह यीशु के आगे आगे तथा पीछे पीछे चल रहे थे नारे लगा रहे थे, होशाना, धन्य है वो जो आने वाला है, जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं, धन्य है हमारे कुल पिता दाविद का आगामी राज्य, सबसे ऊंचे स्वर्ग में होशाना। यरूशलेम नगर में प्रवेश करने पर मसीह यीशु मंदिर में आए
और वहां का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बारों के साथ बैथनिया नगर की ओर चलना शुरू किया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैथनिया से चले तो मसीह यीशु को भूख लगी। दूर ही से उन्हें अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के पास आए कि कदाचित उन्हें उसमें कुछ मिल जाए, किंतु वहां उन्हें पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी न मिला, क्योंकि उसमें फल लगने का समय अभी नहीं आया था। उस पेड़ से मसीह यीशु ने कहा, अब तुझसे कभी भी कोई फल ना खाए। शिष्य ये सुन रहे थे। वे यरूशलेम पहुंचे। और मसीह यीशु ने मंदिर में जाकर वहां खरीदी बिक्री कर रहे व्यक्तियों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने मुद्रा का लेन देन कर रहे साहूकारों की चौकियों तथा कबूतर बेचने वालों के आसनों को उलट दिया। मसीह यीशु ने किसी को भी मंदिर में बेचने का सामान लेकर आने जाने की अनुमति न दी। वहां शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने कहा, क्या पवित्र शास्त्र में तुमने ये नहीं पढ़ा, सारे राष्ट्रों के लिए मेरा भवन प्रार्थना भवन होगा, और यहाँ तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना रखा है। इस घटना के विषय में मालूम होने पर प्रधान याजक तथा शास्त्री मसीह यीशु की हत्या की युक्ति खोजने लगे। उन्हें भीड़ का भय था, क्योंकि मसीह यीशु की शिक्षा से भीड़ प्रभावित थी। संध्या होने पर मसीह यीशु तथा उनके शिष्य नगर के बाहर चले जाते थे। प्रातःकाल जब वे वहां से आ रहे थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ पाया। पतरस ने याद करते हुए कहा, रबी देखिए, जिस पेड़ को आपने शाप दिया था वो सूख गया है। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भर भी ना हो, तो तुम न केवल वो करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जागे, तो ये भी हो जाएगा। इसलिए तुमसे मुझे ये कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए ये विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई हैं, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ हो, उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दें। किंतु यदि तुम क्षमा नहीं करते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा न करेंगे। इसके बाद वे दोबारा यरूशलेम नगर आए। जब मसीह यीशु मंदिर परिसर में टहल रहे थे, प्रधान याजक, शास्त्री तथा प्रवर नेतागण उनके पास आए और उनसे प्रश्न करने लगे, किस अधिकार से तुम ये सब कर रहे हो? कौन है वो जिसने तुम्हें ये सब करने का अधिकार दिया है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों से मैं भी एक प्रश्न करूंगा, जब आप मुझे उसका उत्तर देंगे, तब मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। ये बताइए कि योहन का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से था, तो ये कहेगा, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम ये कहें मनुष्यों की ओर से, वस्तुतः ये कहने में उन्हें जनसाधारण का भय था, क्योंकि जनसाधारण योहन को भविष्यद्वक्ता मानता था। उन्होंने मसीह यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी तुम्हें यह नहीं बताता कि मैं ये सब किस अधिकार से कर रहा हूं। मसीह यीशु ने उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने बगीचे में अंगूर की बेल लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा, रक्षा करने का मचान बनाया और उसे किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। उपज के अवसर पर उसने अपने एक दास को उन किसानों के पास भेजा कि वो उनसे उपज का कुछ भाग ले आए।
किसानों ने उस दास को पकड़ा, उसकी पिटाई की तथा उसे खाली हाथ लौटा दिया। उस व्यक्ति ने फिर एक अन्य दास को भेजा। किसानों ने उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया तथा उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक और दास को उनके पास भेजा, जिसकी तो उन्होंने हत्या ही कर दी। उसके द्वारा भेजे हुए अन्य दासों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। उन्होंने कुछ को मारा पीटा तथा बाकियों की हत्या कर दी। अब उसके पास भेजने के लिए एक ही व्यक्ति शेष था, उसका प्रिय पुत्र। अंततः उसने उसे ही उनके पास भेज दिया। उसका विचार था, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे। उन किसानों ने आपस में विचार किया, सुनो, ये वारिस है, यदि इसकी हत्या कर दें तो ये संपत्ति ही हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ उसकी हत्या कर दी तथा उसका शव बगीचे के बाहर फेंक दिया। अब बगीचे के स्वामी के सामने इसके अतिरिक्त और कौन सा विकल्प शेष रह गया है कि वो आकर उन किसानों का नाश करे और उद्यान का पट्टा अन्य किसानों को दे दे। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का ये लेख नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहूदी मसीह यीशु को पकड़ने की युक्ति तो कर ही रहे थे, किंतु उन्हें भीड़ की प्रतिक्रिया का भी भय था। वे ये भली भांति समझ गए थे कि ये दृष्टांत उन्हीं के लिए था। वस्तुतः इस अवसर पर वे मसीह यीशु को छोड़ वहां से चले गए। यहूदियों ने मसीह यीशु के पास कुछ फरीसियों तथा हेरोदेस समर्थकों को भेजा कि मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसाया जा सके। उन्होंने आकर मसीह यीशु से ये प्रश्न किया, गुरुवर, ये तो हमें मालूम है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं। आपको किसी के मत समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में पक्षपात है ही नहीं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर संबंधी शिक्षा देते हैं। हमें ये बताइए, कैसर को कर देना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? हम कर दें या नहीं? उनका पाखंड भांप कर मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्यों मुझे फंसाने की युक्ति कर रहे हो? दीनार की मुद्रा लाकर मुझे दिखाओ। वे मसीह यीशु के पास एक मुद्रा ले आए। मसीह यीशु ने वो मुद्रा उन्हें दिखाते हुए उनसे प्रश्न किया, ये छाप तथा नाम किसका है? कैसर का, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को। ये सुन वे दंग रह गए। कुछ सदूकी मसीह यीशु के पास आए। सदूकियों की मान्यता है कि मृतक दोबारा जीवित नहीं होते। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे लिए मोशे का आदेश है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी पीछे छोड़ निसंतान मर जाए, तो उसका भाई उस विधवा से विवाह करे और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। इसी संदर्भ में एक घटना इस प्रकार है। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और बिना संतान ही चल बसा। दूसरे भाई ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, वो भी बिना संतान ही चल बसा। तीसरे भाई की भी यही स्थिति रही। इस प्रकार 7 भाइयों की मृत्यु बिना संतान ही हो गई। इसके बाद उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। पुनरुत्थान में दोबारा जी उठने पर वो किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो तो 7 भाइयों की पत्नी रह चुकी है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी इस भूल का कारण ये नहीं कि तुम न तो पवित्र शास्त्र का भेद समझते हो और न ही परमेश्वर के सामर्थ्य को? पुनरुत्थान में लोग न तो विवाहित होते हैं और न ही वहाँ विवाह कराए जाते हैं। वहां वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे। जहां तक मरे हुओं के दोबारा जी उठने का प्रश्न है, क्या तुमने मोशे के ग्रंथ में नहीं पढ़ा, जहां जलती हुई झाड़ी का वर्णन है? परमेश्वर ने मोशे से कहा था, मैं ही अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर हूं। आप लोग बड़ी गंभीर भूल में पड़े हैं। वो मरे हुओं के नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर है। उसी समय एक शास्त्री वहां से जा रहा था। उसने उनका वार्तालाप सुन लिया। ये देख कि मसीह यीशु ने उन्हें सटीक उत्तर दिया है, उसने मसीह यीशु से पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी आज्ञा है, सुनो इज़राइलियों,
यावे हमारे परमेश्वर अद्वितीय यावे हैं। तुम यावे तुम्हारे परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारे मस्तिष्क तथा सारी शक्ति से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा है, तुम अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करो। इनसे बढ़कर कोई और आज्ञा है ही नहीं। उस शास्त्री ने मसीह यीशु से कहा, अति सुंदर गुरुवर, आपका कहना हमेशा ही सत्य है, वही एकमात्र है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तथा उनसे ही सारे हृदय, सारे समझ तथा सारी शक्ति से प्रेम करना तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सभी बलियों तथा आग बलियों से बढ़कर है। जब मसीह यीशु ने देखा कि उसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है, उन्होंने उससे कहा, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी में भी उनसे और प्रश्न करने का साहस न रहा। मंदिर के आंगन में शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने उनके सामने ये प्रश्न रखा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि मसीह दाविद के वंशज हैं? दाविद ने पवित्र आत्मा में आत्मलीन हो कहा था, प्रभु यावे ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाईं ओर बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन करूंगा। स्वयं दाविद उन्हें प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसलिए किस भाव में प्रभु दाविद के पुत्र हुए? भीड़ उनके इस वाद विवाद का आनंद ले रही थी। आगे शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने कहा, उन शास्त्रियों से सावधान रहना जो लंबे, ढीले, लहराते वस्त्र पहने हुए घूमा करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सम्मानपूर्ण नमस्कार की इच्छा रहती है, उन्हें सभागृहों में प्रधान आसन तथा भोज के अवसरों पर मुख्य मुख्य स्थान की आशा रहती है। वे विधवाओं के घर हड़प जाते हैं तथा मात्र दिखावे के उद्देश्य से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कठोरतम होगा इनका दंड। मसीह यीशु मंदिर कोष के सामने बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कि लोग मंदिर कोष में किस प्रकार दान दे रहे हैं। अनेक धनी लोग बड़ी बड़ी राशि डाल रहे थे। एक निर्धन विधवा भी वहां आई और उसने कोष में तांबे की मात्र दो बहुत छोटी मुद्राएं डाली। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जितनों ने भी कोष में दान दिया है, इस विधवा का दान उन सब से बढ़कर है, क्योंकि शेष सभी ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है, किंतु इस विधवा ने अपनी निर्धनता में से अपनी सारी संपत्ति ही दे दी। ये उसकी सारी जीविका थी। जब मसीह यीशु मंदिर से बाहर निकल रहे थे, उनके एक शिष्य ने उनका ध्यान मंदिर परिसर की ओर खींचते हुए कहा, देखिए गुरुवर, कितने विशाल हैं ये पत्थर और कितने बड़े हैं ये भवन। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हें ये भवन बड़े लग रहे हैं? सच तो ये है कि एक दिन इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर रखा ना दिखेगा, हर एक पत्थर भूमि पर होगा। मसीह यीशु जैतून पर्वत पर मंदिर की ओर मुख किए हुए बैठे थे। एकांत पाकर पत्रस, याकोब, योहन तथा आंद्रयास ने मसीह यीशु से ये प्रश्न किया, हमको ये बताइए कि ये कब घटित होगा तथा इन सब के निष्पादन पूरा किया जाना के समय का लक्षण क्या होगा। तब मसीह यीशु ने वर्णन करना प्रारंभ किया, इस विषय में अत्यंत सावधान रहना कि कोई तुम्हें भटका न दे। अनेक मेरे नाम से आएंगे और ये दावा करेंगे मैं ही वो हूँ, तथा अनेकों को भटका देंगे। तुम युद्ध तथा युद्धों के समाचार सुनोगे। याद रहे कि तुम इससे विचलित ना हो जाओ, क्योंकि इनका घटित होना जरूरी है, किंतु इसे ही अंत ना समझ लेना। राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। हर जगह अकाल पड़ेंगे तथा भूकंप आएंगे, किंतु ये सब घटनाएं प्रसव वेदना का प्रारंभ मात्र होंगी। फिर भी चौकस रहना, वे तुम्हें पकड़कर न्यायालय को सौंप देंगे। यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। मेरे लिए तुम्हें शासकों तथा राजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि तुम उनके सामने मेरे गवाह हो जाओ। ये जरूरी है कि इसके पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब तुम बंदी बनाए जाओ और तुम पर मुकदमा चलाया जाए, तो ये चिंता ना करना कि तुम्हें वहाँ क्या कहना है। तुम वही कहोगे जो कुछ तुम्हें वहाँ उसी समय बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे। भाई भाई को तथा पिता अपनी संतान को मृत्यु के लिए सौंप देगा। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी तथा उन्हें मृत्यु के लिए पकड़वा देगी,
मेरे कारण सभी तुमसे घृणा करेंगे, किंतु उद्धार वही पाएगा जो अंत तक धीरे धरेगा तथा स्थिर रहेगा। उस समय जब वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो निर्जनता उत्पन्न करती जाती है तुम्हें ऐसे स्थान में खड़ी दिखे जो उसका निर्धारित स्थान नहीं है, पाठक इसे समझ लें। तब यहूदिया प्रदेशवासी पर्वतों पर भाग कर जाएं। उस समय वे जो घर की छत पर हैं, घर में से कोई भी वस्तु लेने के उद्देश्य से न तो नीचे उतरे और न ही घर में प्रवेश करें। वो जो अपने खेत में काम कर रहे हों, अपना बाहरी वस्त्र लेने लौट कर न आए। दयनीय होगी गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति। प्रार्थना करते रहो, ऐसा न हो कि तुम्हें जाड़े में भागना पड़े, क्योंकि वो महाक्लेश काल होगा ऐसा कि जो न तो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक देखा गया न ही इसके बाद दोबारा देखा जाएगा। यदि प्रभु द्वारा इसकी काल अवधि घटाई न जाती तो कोई भी जीवित न रहता। कुछ चुने हुए विशेष लोगों के लिए ये अवधि घटा दी जाए। उस समय यदि कोई आकर तुम्हें सूचित करे, सुनो सुनो मसीह यहाँ है या वो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि अनेक झूठे मसीह तथा अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वे प्रभावशाली चमत्कार चिन्ह दिखाएंगे तथा अद्भुत काम करेंगे कि यदि संभव हुआ तो परमेश्वर द्वारा चुने हुओं को भी भटका दें। सावधान रहना, मैंने समय से पूर्व ही तुम्हें इसकी चेतावनी दे दी है। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा तथा आकाश से तारे नीचे गिरने लगेंगे, आकाशमंडल की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा। पृथ्वी के सभी कुल दुखी हो जाएंगे और वे मनुष्य के पुत्र को आकाश में बादलों पर सामर्थ्य और प्रताप के साथ आता हुआ देखेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा जो चारों दिशाओं से पृथ्वी के एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक जाकर उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसमें कोंपले फूटने लगती और पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार तुम जब भी इन सभी घटनाओं को देखो तो समझ लेना कि वो पास हैं, परंतु द्वार पर ही हैं। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, इन घटनाओं के पूरे हुए बिना इस युग का अंत नहीं होगा। आकाश तथा पृथ्वी का मिट जाना संभव है, किंतु मेरे शब्द का नहीं। वास्तव में उस दिन तथा उस क्षण के विषय में किसी को मालूम नहीं है, स्वर्ग में ना स्वर्ग दूतों को और ना ही पुत्र को, ये मात्र पिता को ही मालूम है। अब इसलिए कि तुम्हें उस विशेष क्षण के घटित होने के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, सावधान रहो, सतर्कता बनाए रखो। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे उस व्यक्ति की जो अपनी सारी गृहस्थी अपने दासों को सौंप कर दूर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हर एक दास को भिन्न भिन्न जिम्मेदारी सौंपी और द्वारपाल को भी सावधान रहने की आज्ञा दी। इसी प्रकार तुम भी सावधान रहो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि घर का स्वामी लौट कर कब आएगा। शाम को, आधी रात या भोर को मुर्गे की बांग के समय, ऐसा ना हो कि उसका आना अचानक हो और तुम गहरी नींद में पाए जाओ। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो सभी से संबंधित है, सावधान रहो। फसा तथा खमीर रहित रोटी के उत्सव के लिए मात्र दो दिन शेष रह गए थे। प्रधान याजक तथा शास्त्री इस खोज में थे कि मसीह यीशु को पकड़कर गुप्त रूप से उनकी हत्या कर दें, क्योंकि उनका विचार था उत्सव के समय में नहीं अन्यथा बलवा हो जाएगा। मसीह यीशु बैथनिया नगर आए। वहाँ वो पूर्व कोढ़ रोगी शिमोन नामक व्यक्ति के घर पर भोजन के लिए बैठे थे। एक स्त्री वहाँ संगमरमर के बर्तन में शुद्ध जटामासी का अत्यंत कीमती इत्र ले आई। उसने उस बर्तन को तोड़ वो इत्र मसीह यीशु के सिर पर उंडेल दिया। उपस्थित अतिथियों में से कुछ क्रुद्ध हो आपस में बड़बड़ाने लगे, क्यों कर दिया इसने इस इत्र का फिजूल खर्च? इसे 300 दिनार से भी अधिक दाम पर बेचकर वो राशि निर्धनों में वितरित की जा सकती थी। वे उस स्त्री को इसके लिए डांटने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, छोड़ दो उसे, क्यों सता रहे हो उसे? उसने मेरे लिए एक सराहनीय काम किया है। जहां तक निर्धनों का प्रश्न है, वे तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे, तुम उनकी सहायता तो कभी भी कर सकते हो।
किंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। जो उसके लिए संभव था वो उसने किया है। उसने मेरी देह का अभिषेक मेरे अंतिम संस्कार से पहले ही कर दिया है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। सभी संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री की याद में इसके इस सुंदर कार्य का वर्णन भी किया जाता रहेगा। तब कार्योत्वासी यहूदा ने, जो 12 शिष्यों में से एक था, मसीह यीशु को पकड़वाने के उद्देश्य से प्रधान पुरोहितों से भेंट की। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे धनराशि देने का वचन दिया। इसलिए यहूदा इस अवसर में रहने लगा कि वो किसी प्रकार, किसी सही अवसर पर मसीह यीशु को पकड़वा दे। अखमीरी रोटी के उत्सव के पहले दिन, जो फसह बलि अर्पण की बेला होती थी, शिष्यों ने मसीह यीशु से पूछा, हम आपके लिए फसह कहाँ तैयार करें? आपकी अभिलाषा है क्या? इस पर मसीह यीशु ने अपने 2 शिष्यों को इस निर्देश के साथ भेजा, नगर में जाओ, तुम्हें जल का मटका ले जाता हुआ एक व्यक्ति मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाना। वो जिस घर में प्रवेश करेगा, उसके घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है मेरा अतिथि कक्ष कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊं। वो स्वयं तुम्हें एक विशाल, तैयार तथा सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखा देगा। हमारे लिए वहीं तैयारी करना। शिष्य चले गए। जब वे नगर पहुंचे, उन्होंने ठीक वैसा ही पाया जैसा प्रभु ने उनसे कहा था, और वहां उन्होंने फसह तैयार किया। संध्या होने पर मसीह यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ वहां आए। जब वो भोजन पर बैठे हुए थे, मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं। तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मेरे साथ धोखा करेगा। अत्यंत दुखी हो वे उनसे एक एक कर ये पूछने लगे, निसंदेह वो मैं तो नहीं हूं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, है तो वो 12 में से एक, वही जो मेरे साथ कटोरे में रोटी डुबो रहा है। मनुष्य के पुत्र को तो जैसा कि उसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, जाना ही है, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो मनुष्य के पुत्र के साथ धोखा करेगा। उस व्यक्ति के लिए सही तो यही होता कि उसका जन्म ही ना होता। भोजन के लिए बैठे हुए मसीह यीशु ने रोटी लेकर उसके लिए आभार धन्यवाद करते हुए उसे तोड़ा और उनमें बांटते हुए कहा, लो ये मेरा शरीर है। इसके बाद मसीह यीशु ने प्याला उठाया, उसके लिए धन्यवाद दिया, शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, ये वायदे का मेरा लहू है जो अनेकों के लिए उंडेला गया है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, दाख के इस रस को मैं अब से उस समय तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया रस न पीऊं। एक भक्ति गीत गाने के बाद वे जैतून पर्वत पर चले गए। से मसीह यीशु ने कहा, तुम सभी मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे, जैसा कि इस संबंध में पवित्र शास्त्र का लेख है, मैं चरवाहे का संहार करूंगा और झुंड की सभी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु मरे हुओं में से जीवित होने के बाद मैं तुमसे पहले गलील प्रदेश पहुंच जाऊंगा। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, सभी शिष्य आपका साथ छोड़कर जाएं तो जाएं, किंतु मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं, आज रात में ही, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम मुझे 3 बार नकार चुके होंगे। किंतु पतरस दृढ़तापूर्वक कहते रहे, यदि मुझे आपके साथ मृत्यु को अपनाना भी पड़े तो भी मैं आपको नहीं नकारूंगा। अन्य सभी शिष्यों ने भी यही दोहराया।
वे गेथसेमनी नामक स्थान पर आए। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम यहीं ठहरो। उन्होंने अपने साथ पत्रस, याकोब तथा योहन को ले लिया। वो अत्यंत अधीर तथा व्याकुल हो रहे थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे प्राण इतने व्याकुल हैं मानो मेरी मृत्यु हो रही हो, तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। वो उनसे थोड़ी ही दूर गए और भूमि पर गिरकर ये प्रार्थना करने लगे कि यदि संभव हो तो ये क्षण टल जाए। प्रार्थना में उन्होंने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए तो सभी कुछ संभव है, मेरे सामने रखे इस प्याले को हटा दीजिए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा के अनुरूप हो। जब मसीह यीशु वहां लौट कर आए तो शिष्यों को सोता हुआ पाया। उन्होंने पत्रस से कहा, शिमोन सोए हुए हो, एक घंटा भी जागे ना रह सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फंस जाओ। निसंदेह आत्मा तो तत्पर है किंतु शरीर दुर्बल। तब उन्होंने दोबारा जाकर वही प्रार्थना की। लौट कर आने पर उन्होंने शिष्यों को फिर सोते हुए पाया। उनकी पलकें अत्यंत बोझिल थीं। उन्हें यह भी नहीं सूझ रहा था कि प्रभु को क्या उत्तर दें। जब मसीह यीशु तीसरी बार उनके पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अभी भी सो रहे हो? सोते रहो और विश्राम करो, बहुत हो गया, वो क्षण आ गया है। देख लो कैसे मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। चलो अब हमें चलना चाहिए, वो पकड़वाने वाला आ गया है। जब मसीह यीशु ये कह रहे थे उसी क्षण यहूदा, जो 12 शिष्यों में से एक था, आ पहुंचा। उसके साथ तलवार और लाठियां लिए हुए एक भीड़ भी थी। ये सब प्रधान पुरोहितों, शास्त्रियों तथा पुरनियों द्वारा भेजे गए थे। पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, मैं जिसे चूमूं वही होगा वह, उसे पकड़कर सिपाहियों की सुरक्षा में ले जाना। वहां पहुंचते ही यहूदा सीधे मसीह यीशु के पास गया और उनसे कहा, रब्बी, और उन्हें चूम लिया। इस पर उन्होंने मसीह यीशु को पकड़कर बांध लिया। उनमें से जो मसीह के साथ थे, एक ने तलवार खींची और महायाजक के दास पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका एक कान कट गया। मसीह यीशु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुझे पकड़ने के लिए तुम तलवार और लाठियां लेकर आए हो, मानो मैं कोई डाकू हूं। मंदिर में शिक्षा देते हुए मैं प्रतिदिन तुम्हारे साथ ही होता था, तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा, किंतु अब जो कुछ घटित हो रहा है वो इसलिए कि पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हो। सभी शिष्य मसीह यीशु को छोड़ भाग चुके थे। एक युवक था जो मसीह यीशु के पीछे पीछे आ रहा था। उसने अपने शरीर पर मात्र एक चादर लपेटी हुई थी। जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, वो अपनी उस चादर को छोड़ नंगा ही भाग निकला। वे मसीह यीशु को महायाजक के सामने ले गए। वहां सभी प्रधान याजक, वरिष्ठ नागरिक तथा शास्त्री इकट्ठा थे। पत्रस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो महायाजक के आंगन में भी आ गए। वो अधिकारियों के साथ बैठ गए और उनके साथ आग तापने लगे। मसीह यीशु को मृत्यु दंड देने की इच्छा लिए हुए प्रधान याजक तथा पूरी महासभा मसीह यीशु के विरुद्ध गवाह खोजने का यत्न कर रही थी, किंतु इसमें वे विफल ही रहे। निसंदेह उनके विरुद्ध अनेक झूठे गवाह खड़े हुए थे, किंतु उनके गवाह में मेल न था। तब कुछ ने मसीह यीशु के विरुद्ध ये झूठी गवाही दी, हमने इसे कहते सुना है, मैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में एक दूसरा बना दूंगा जो हाथ से बना न होगा। इस आरोप में भी उनके गवाह में समानता न थी। तब महायाजक खड़े हुए तथा मसीह यीशु के पास आकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है? ये सब तुम्हारे विरुद्ध क्या क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया, वो मौन ही बने रहे। तब महायाजक ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम ही मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं हूँ। आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाएं पक्ष में आसीन तथा आकाश के बादलों पर लौटता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, अब क्या जरूरत रह गई किसी अन्य गवाह की? तुम सभी ने परमेश्वर निंदा सुन ली है, क्या विचार है तुम्हारा? सब ने एक मत से उन्हें मृत्यु दंड का भागी घोषित किया।
कुछ ने उन पर थूकना प्रारंभ कर दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध कुछ उन्हें घूसे मारते हुए कहने लगे, कर भविष्यवाणी। और प्रहरियों ने उनके मुख पर थप्पड़ भी मारे। जब पतरस नीचे आंगन में थे, महायाजक की एक सेविका वहां आई। उसे पतरस वहां आग तापते हुए दिखे, इसलिए वो उनकी ओर एक टक देखती हुई बोली, तुम भी तो यीशु नाजरी के साथ थे। पतरस ने ये कहते हुए नकार दिया, क्या कह रही हो, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और वो द्वार की ओर चले गए। एक बार फिर जब उस दासी ने उन्हें देखा तो आसपास उपस्थित लोगों से दोबारा कहने लगी, ये भी उन्हीं में से एक है। पतरस ने दोबारा नकार दिया। कुछ समय बाद उनके पास खड़े लोग ही पतरस से कहने लगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुम भी गलीलवासी हो। किंतु पतरस धिक्कार कर सौगंध खाते हुए कहने लगे, तुम जिस व्यक्ति के विषय में कह रहे हो उसे तो मैं जानता ही नहीं। उसी क्षण मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को मसीह यीशु की वो पहले से कही हुई बात याद आई, इसके पहले कि मुर्ग दो बार बांग दे, तुम तीन बार मुझे नकार चुके होंगे। पतरस फूट फूट कर रोने लगे। भोर होते ही प्रधान पुरोहितों, नेतागण तथा शास्त्रियों ने सारी महासभा का सत्र बुलाकर विचार किया और मसीह यीशु को, जो अभी भी बंधे हुए थे, ले जाकर पिलातोस को सौंप दिया। पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, क्या यहूदियों के राजा तुम हो? मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच्चाई वही है जो आपने कहा है। प्रधान याजक मसीह यीशु पर अनेक आरोप लगाते रहे। इस पर पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, कोई उत्तर नहीं दोगे? देखो, ये लोग तुम पर आरोप पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया। ये पिलातोस के लिए आश्चर्य का विषय था। उत्सव के अवसर पर वो किसी एक बंदी को लोगों की विनती के अनुसार छोड़ दिया करता था। कारागार में बारब्बास नामक एक बंदी था। वो अन्य विद्रोहियों के साथ विद्रोह में हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। भीड़ ने पिलातोस के पास जाकर उनकी प्रथा पूर्ति की विनती की। इस पर पिलातोस ने उनसे पूछा, अच्छा तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब तक पिलातोस को ये मालूम हो चुका था कि प्रधान पुरोहितों ने मसीह यीशु को जलनवश पकड़वाया था। किंतु प्रधान पुरोहितों ने भीड़ को उकसाया कि वे मसीह यीशु के स्थान पर बारब्बास को छोड़ देने की विनती करें। इस पर पिलातोस ने उनसे पूछा, तो फिर मैं इसका क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने चिल्लाते हुए उत्तर दिया, मृत्युदंड। क्यों? पिलातोस ने उनसे पूछा, क्या अपराध किया है इसने? इस पर वे उग्र हो बलपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, मृत्युदंड। भीड़ को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पिलातोस ने उनके लिए बारब्बास को विमुक्त कर दिया तथा मसीह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस मृत्युदंड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। मसीह यीशु को सैनिक प्राइटोरियम अर्थात किले के भीतर आंगन में ले गए और वहां उन्होंने सारी रोमी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा कर ली। उन्होंने मसीह यीशु को वहां ले जाकर बैंगनी रंग का वस्त्र पहना दिया तथा कांटों को गूंथ कर मुकुट का रूप दे उसे उनके ऊपर रख दिया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, यहूदियों के राजा आपकी जय। वे मसीह यीशु के सिर पर सरकंडा मारते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे उन पर थूक रहे थे और उपहास में उनके सामने घुटने टेक कर झुक रहे थे। जब वे उपहास कर चुके, उन्होंने वो बैंगनी वस्त्र उतार लिया और उनके वस्त्र उन्हें दोबारा पहना दिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। मार्ग में उन्हें कुरेनायास नगरवासी शिमोन नामक व्यक्ति मिला, जो अलेक्जांद्रास तथा रूफास का पिता था, जिसे उन्होंने मसीह यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए विवश किया। वे मसीह यीशु को लेकर गोलगोथा नामक स्थल पर आए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। उन्होंने मसीह यीशु को गंधरस मिला हुआ दाखरस देना चाहा, किंतु मसीह यीशु ने उसे स्वीकार न किया।
तब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने मसीह यीशु के वस्त्र बांटने के लिए पासा फेंका कि वस्त्र किसे मिले। ये दिन का तीसरा घंटा था जब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उनके दोष पत्र पर लिखा था, यहूदियों का राजा। मसीह यीशु के साथ दो राजद्रोहियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उनकी दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। ये होने पर पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो गया, उसकी गिनती अपराधियों के साथ की गई। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिला कर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ओ मंदिर को नाश कर तीन दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, उतरा क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उनका उपहास कर रहे थे। अन्यों को तो बचाता रहा, स्वयं को नहीं बचा सकता। ये मसीह, ये इज़राइल का राजा, अभी क्रूस से नीचे उतरे तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी उनकी ऐसी ही निंदा कर रहे थे। छठे घंटे सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया, जो नवे घंटे तक छाया रहा। नवे घंटे मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, एलोई एलोई लमा सबक्थानी, अर्थात मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पास खड़े व्यक्तियों ने यह सुनकर कहा, सुनो सुनो, वो एलिया को पुकार रहा है। ये सुन एक व्यक्ति ने दौड़कर एक स्पंज को दाख के सिरके में डुबाकर उसे सरकंडे पर रख ये कहते हुए मसीह यीशु को पीने के लिए दिया, चलो देखें क्या एलिया इसे क्रूस से नीचे उतारने आते हैं या नहीं। ऊंचे शब्द में पुकारने के साथ मसीह यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो भागों में बांट दिया गया। क्रूस के सामने खड़े रोमी सैन्य अधिकारी ने मसीह यीशु को इस रीति से प्राण त्यागते देख कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। कुछ महिलाएं दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। इनमें मगदला वासी मरियम, कनिष्ठ याकोब और योसेस की माता मरियम तथा शालोमे थी। मसीह यीशु के गलील प्रवास के समय ये ही उनके पीछे चलते हुए उनकी सेवा करती रही थी। अन्य अनेक स्त्रियां भी थी जो मसीह यीशु के साथ यरूशलेम आई हुई थी। ये शब्बात के पहले का तैयारी का दिन था, शाम हो गई थी। अरिमथिया नगरवासी योसेफ ने, जो महासभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे और स्वयं परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, साहसपूर्वक पिलातोस से मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातोस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मसीह यीशु के प्राण निकल चुके हैं, इसलिए उसने सैन्य अधिकारी को बुलाकर उससे प्रश्न किया कि क्या मसीह यीशु की मृत्यु हो चुकी है। सैन्य अधिकारी से आश्वस्त होकर पिलातोस ने योसेफ को मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति दे दी। योसेफ ने कफन मोल लिया, मसीह यीशु का शव उतारा, उसे कफन में लपेटा और चट्टान में खोदी गई एक कंदरा कब्र में रखकर कब्र द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। मगदला वासी मरियम तथा योसेस की माता मरियम ये देख रही थी कि मसीह यीशु के शव को कहां रखा गया था। शब्बात समाप्त होते ही मगदला वासी मरियम, याकोब की माता मरियम तथा शालोमे ने मसीह यीशु के शरीर के तेल से अभिषेक के उद्देश्य से शव का अभिषेक करने के लिए सुगंध द्रव्य मोल लिए। सप्ताह के पहले दिन भोर के समय जब सूर्य उदय हो ही रहा था, वे कब्र की गुफा पर आ गईं। वे आपस में ये विचार कर रही थीं, कब्र के द्वार पर से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। किंतु जब उन्होंने कब्र की ओर दृष्टि की तो पाया कि कब्र द्वार पर से पत्थर लुढ़का हुआ था, जबकि वो बहुत बड़ा था।
कब्र में प्रवेश करने पर उन्होंने दाईं ओर एक युवा व्यक्ति को बैठे हुए देखा जो उज्जवल सफेद वस्त्रों में था। वे हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर कहा, आश्चर्य मत कीजिए, आप यहाँ नाजरेतवासी यीशु को जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था खोज रही हैं। वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। वो यहाँ नहीं है, ये देखिए, यही है वो जगह जहाँ उन्हें रखा गया था। मगर अब उनके शिष्यों और पतरस को ये सूचना दे दीजिए कि वो उनके पहले ही गलील प्रदेश पहुँच जाएंगे। उनसे आपकी भेंट वहीं होगी, ठीक जैसा उन्होंने स्वयं कहा था। कांपते हुए तथा भौचक का वे बाहर आई और कब्र की गुफा से भागी। डर के कारण उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। जब सप्ताह के पहले दिन तड़के मसीह यीशु जीवित हुए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को मगदाला वासी मरियम पर प्रकट किया, जिसमें से उन्होंने 7 प्रेतों को निकाला था। उसने जाकर विलाप तथा रोते हुए अपने साथियों को इसका समाचार दिया। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि मसीह यीशु अब जीवित है तथा मरियम ने उन्हें देखा है। इसके बाद मसीह यीशु 2 अन्यों पर भी, जब वे अपने गांव की ओर जा रहे थे, प्रकट हुए। इन्होंने जाकर अन्यों को भी इस विषय में बताया, किंतु उन्होंने भी इस पर विश्वास न किया। तब वो 11 शिष्यों पर भी प्रकट हुए। वे सब चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों के अविश्वास तथा मन की कठोरता की उलहाना की, क्योंकि उन्होंने उनके जीवित होने के बाद देखने वालों का विश्वास नहीं किया था। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। वो जिसने विश्वास किया है तथा जिसका बपतिस्मा हो चुका है बचा रहेगा, किंतु वो जिसने विश्वास नहीं किया है दंडित होगा। जिन्होंने विश्वास किया है उन्हें यह अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी। मेरे नाम में वे प्रेतों को निकालेंगे, वे अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, वे सांपों को अपने हाथों में ले लेंगे, घातक विष पी लेने पर भी उनकी कोई हानि न होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। मसीह यीशु जब उनसे ये कह चुके, वो स्वर्ग में उठा लिए गए। वहां वो परमेश्वर की दाईं ओर बैठ गए। शिष्य लौट गए तथा सभी जगह इसकी घोषणा की। प्रभु उनके साथ सक्रिय थे तथा वो अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा करते रहे।